निःशब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म में सलमान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह और साकिब सलीम भी हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए का है। सलमान ने इन सभी को अच्छी फीस भी दिलवाई है, जबकि सलमान के आगे बाकी स्टार्स की फीस कौड़ी के बराबर है। आइए जानते हैं कि बाकी कास्ट की फीस कितनी है। साकिब सलीम, इस फिल्म में साकिब सूरज नाम का किरदार निभा रहे हैं। इस रोल के लिए साकिब ने 1,40,00,000 रुपए फीस ली है। आदित्य पंचोली, इस फिल्म में आदित्य विलन के रोल में नजर आएंगे। इस रोल के लिए आदित्य ने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। डेजी शाह, फिल्म में डेजी संजना का किरदार निभाएंगी। इससे पहले डेजी सलमान खान के साथ फिल्म जय हो में नजर आई थी। इस फिल्म के लिए डेजी को 5,20,00,000 रुपए की फीस मिली। बॉबी देओल, बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल काफी समय के बाद फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इस रोल के लिए बॉबी ने 7,50,00,000 रुपए की फीस ली है, लेकिन बॉबी के हिसाब से ये फीस काफी ज्यादा है। जैकलीन फर्नांडिस, जैकलीन इस फिल्म में जेसिका का किरदार निभाएंगी। इस रोल के लिए जैकलीन ने 8 करोड़ रुपए फीस ली। अनिल कपूर इससे पहले दोनों पार्ट्स में नजर आए थे। रेस की ये तीसरी फ्रेंचाइजी है, अब तीसरे पार्ट में भी उनका अहम रोल होगा। शमशेर का किरदार निभाने वाले अनिल कपूर ने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब आखिर में बात करते हैं सलमान खान के बारे में। इस फिल्म में सलमान खान बतौर लीड एक्टर का रोल निभाएंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए सलमान ने 60 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।